नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे हमारे चैनल पर। दोस्तों आज ये 40 मिनट की क्लास होने वाली है दोस्तों, CET 12 लेवल की। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। 22-23-24 तारीख तो आज की लास्ट क्लास होगी दोस्तों। हाँ दोस्तों, आज 20 तारीख हो गई है, कल 21-22-23 यानी 22-23-24 का पेपर पूरा निचोड़ा इसके अंदर दोस्तों। तो पूरी सब्जेक्ट के अंदर हिंदी, विज्ञान, ज्योग्राफी सभी प्रकार के क्वेश्चन इस सब्जेक्ट के, ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे देखने को। तो 150% होने वाले दोस्तों, लगभग 40 मिनट के होंगे। तो दोस्तों यह आपकी लास्ट रिवीजन की होगी अगर यदि आपको, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन लास्ट क्लास होगी दोस्तों आपकी आज ये रिवीजन। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है दोस्तों? बांकिया, भंगल, मशक या पुंगी? हाँ दोस्तों, तो बता दीजिएगा। तो आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, भेरी कहा जाता है किस वाद्य यंत्र को? भेरी राइट आंसर हो जाएगा भंगल। हाँ दोस्तों, तो बी आंसर को लॉक कर दिया जाए। तो लास्ट, हाँ दोस्तों, हाँ वो दोस्तों लास्ट क्लास होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिनकोना से प्राप्त मलेरिया की दवा का क्या नाम बताइए? हाँ दोस्तों, सिनकोना के प्राप्त मलेरिया की दवा का क्या नाम है दोस्तों, बता दीजिएगा? एट्रोपिन, सिक्नोनिन, निक्टिनोनिन या फिर कुनेन? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। हाँ दोस्तों, काफ़ी लोगों ने कमेंट किया है दोस्तों ऑप्शन डी, हाँ सिक्नोना से प्राप्त मलेरिया की दवा का नाम है कुनेन। हाँ दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो डी को लॉक कर दीजिएगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन, हाँ दोस्तों लास्ट का आंसर डी हो जाएगा, हाँ सिकनोना की मलेरिया की दवा हो जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड गिवन बिलो रजिस्ट्रेशन। हाँ दोस्तों, तो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा दोस्तों? पंजीकरण, संविदा या फिर नियमन? तो राइट आंसर हो जाएगा आप ऑप्शन बी, पंजीकरण। हाँ दोस्तों, काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था ऑप्शन बी, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। तो बी को लॉक कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मालपुरा और करौली मैदान कहाँ के भाग है? हाँ दोस्तों, मालपुरा और करौली मैदानी भाग कहाँ के हैं दोस्तों? तो लूनी बेसिन के, चंबल बेसिन के, माही बेसिन के या फिर बनास बेसिन के? हाँ दोस्तों, बता दीजिएगा इस ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों। काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा है, हाँ दोस्तों बनास बेसिन का, हाँ मालपुरा करौली, हाँ काफ़ी लोगों का कमेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये स्टार में लगा दीजिएगा। हाँ दोस्तों, यहाँ से 100% 99% क्वेश्चन छिपेंगे दोस्तों इसके अंदर से, कि उस पेपर देके आए ना, तो फिर मेरे को कमेंट बता दीजिएगा कि कितने क्वेश्चन मिले कितने नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में भारत ने चंद्रयान छोड़ा गया था दोस्तों? हाँ वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन। 2007, 2008, 2009, 2010। हाँ तो दोस्तों काफ़ी लोगों का कमेंट, हाँ दोस्तों राइट आंसर आ रहा है आपका दोस्तों 2008। हाँ काफ़ी लोगों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है दोस्तों, हाँ प्रथम चंद्रयान छोड़ा था। हाँ दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। तो ऑप्शन बी को लॉक कर दिया जाए। हाँ दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दी गई श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए। सी, ई, एच, एल, क्यू। यहाँ दोस्तों रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। सी कौन से नंबर पर, तीन नंबर पे आता है? ई कौन से नंबर पे आता है? पाँच नंबर पे आता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, दे दीजिएगा तीन नंबर, पाँच नंबर, तीन नंबर वहाँ दो का नंबर के ऊपर, फिर आठ नंबर पर, पाँच तीन, फिर तीन का प्लस तीन कर दीजिएगा, फिर एच एल 12 पर, चार का नंबर है, फिर क्यू 17 पर, चार, पाँच और फिर छः। हाँ दोस्तों, चार, हाँ क्यू सी पाँच। हाँ दोस्तों, अब 17 पाँच, यू टी यू वी, वी हो जाएगा, वी डब्लू। हाँ दोस्तों, क्या हो जाएगा? 6 प्लस कर दिया जाएगा 17 में, 6 23 पे नंबर पर आ जाएगा डब्लू, एक्स वाई जेड, हाँ डब्लू आ जाएगा दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। हाँ काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था ऑप्शन सी। हाँ दोस्तों, हाँ दोस्तों आपका रिवीजन ये मान लो लास्ट डे, आप इस क्लास को 1% मिस कर देना, इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। हाँ दोस्तों, पूरी क्लास होने वाली है, पूरी सब्जेक्ट का निचोड़ होगा दोस्तों। शिला देवी का मंदिर किस जिले में अवस्थित है दोस्तों? शिला देवी का मंदिर किस जिले में अवस्थित है दोस्तों? आमेर जो कि जयपुर में, अचलगढ़ जो कि सिरोही में, मेहरानगढ़ जो कि जोधपुर में है, कुंभलगढ़ जो कि राजगढ़ में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। हाँ काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा है, तो हाँ जो कि सिरोही के अंदर, अचलगढ़, मेहरानगढ़ जोधपुर में है दोस्तों, कुंभलगढ़ राजसमंद में दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा आमेर, शिला देवी जो कि कछुआ वंश का शासक था। हाँ दोस्तों, कछुआ वंश की, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। उत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा होता है दोस्तों? सबसे अच्छा, हाँ दोस्तों, एंथ्रासाइट जो कि 90% इसके अंदर कोयला की परसेंट मात्रा पाई जाती है, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिच। हाँ चार प्रकार के कोयले होते हैं तो, हाँ दोस्तों वेरी वेरी एंथ्रासाइट 90% इसकी मात्रा होती है, सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रासाइट। तो ये को लॉक कर दिया जाए, काफ़ी लोगों का कमेंट था ए। तो राइट आंसर होगा ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तवांग क्षेत्र स्थित है। हाँ दोस्तों बताइए, इंडियन जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। हाँ सभी क्वेश्चन का निचोड़ होगा दोस्तों यहाँ पर, इंडियन राजस्थान सभी है, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम या फिर यूके, उत्तराखंड है। हाँ दोस्तों तो बता दीजिएगा राइट आंसर, नाथुला दर्रा तो सिक्किम है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। हाँ दोस्तों मानस, असम, कालीरंगा। हाँ दोस्तों तवांग क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो अरुणाचल प्रदेश, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। हाँ दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्ययुक्त है, सजावट, अन्वेषण, संकल्प या फिर निवास। हाँ प्रत्ययुक्त किसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है, हाँ दोस्तों सजावट, सज प्लस आवट सजावट, प्रत्यय के बाद में जुड़ता है, हाँ प्रत्यय है दोस्तों, अन्वेषण इसमें नहीं है, संकल्प ये भी नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर ए, तो आवट। हाँ दोस्तों आवट प्रत्यय, शब्द के पीछे जुड़ते हैं वो प्रत्यय होते हैं, आगे जुड़ते हुए उपसर्ग होते हैं। हाँ दोस्तों राइट, अन्वेषण स्वर, हाँ दोस्तों गलत है, स्वर संधि का उदाहरण है, सम प्लस कल्प संकल्प, राइट आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए दोस्तों इसको, कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्रण, छाबड़ा तापीय ऊर्जा संयंत्र, काली सिंध जो कि झालावाड़ में, सूरतगढ़ तापीय ऊर्जा जो कि श्रीगंगानगर में, छाबड़ा जो कि बारा में है, कोटा सुपर तापीय में। हाँ दोस्तों कोयला उत्पादित आधारित विद्युत संयंत्र कौन सा है दोस्तों, तो हाँ बता दीजिएगा राइट आंसर, हाँ कोयला, झालावाड़ में काली सिंध। हाँ दोस्तों, हाँ दोस्तों राइट आंसर, हाँ काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा है ए, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक ग्राही है। हाँ दोस्तों कौन सा समूह है जो कि सबसे रक्त ले सकता है। हाँ दोस्तों ओ प्लस, ओ, ए माइनस या ए प्लस, रक्त सर्वग्राही तो होता है जो सबसे ज़्यादा ले सकता है सर। हाँ काफ़ी लोगों का, हाँ ए भी सबको दे सकता है दोस्तों, नहीं नहीं सॉरी सर, ए प्लस, ए प्लस, ए प्लस, ओ प्लस होता है जो कि जो सबको देता है, तो राइट आंसर काफ़ी लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन डी, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ए, ए बी प्लस। हाँ हाँ ओ बी प्लस तो सबसे ले सक सर्वग्राही होता है, सर्वदाता होता है ओ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के किस माह में लगता है। हाँ पुष्कर मेला, हाँ दोस्तों बता दीजिएगा, सावन, कार्तिक, फाल्गुन या फिर चैत्र। हाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी मिसप्रिंट हो रहा है, तो लेकिन ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, तो कार्तिक, कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है, अजमेर में बढ़ता है पुष्कर मेला। हाँ दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यशोभिलाषा शब्द में कौन सी संधि है दोस्तों। हाँ संधि, हिंदी से भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि या फिर विसर्ग संधि। यश प्लस अभिलाषा, यश प्लस अभिलाषा, ए प्लस ई बराबर ए, तो कौन सी संधि हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, हाँ विसर्ग संधि। अरावली की दूसरी सबसे ऊँची चोटी कौन सी है दोस्तों। हाँ अरावली पर्वतमाला की पहली ऊँची सबसे चोटी गुरु शिखर हो जाएगी दोस्तों, सेकंड नंबर पर, जिसकी लंबाई है 1727-1722 को भी देखने को मिलती है। हाँ दोस्तों तो राइट आंसर, हाँ काफ़ी लोगों का आंसर आ रहा है बी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेरगढ़। हाँ दोस्तों इसकी लंबाई कितनी होगी, 542। हाँ दोस्तों 542 शेरगढ़, गुरु शिखर पहली है दोस्तों 1922, काफ़ी गाइड में 2217 भी देसी मीटर, शेरगढ़ सेकंड नंबर की हो जाएगी दोस्तों, जो कि सिरोही के अंदर है, 1597 सॉरी, हाँ दोस्तों 1597 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी, जो कि सिरोही में है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर बी, अचलगढ़ जो कि सिरोही के अंदर है, तारागढ़ जो कि बूंदी भी है, और अजमेर में, तो जो कि अजमेर में है ये। हाँ दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए इसको, कपिल आम खाता है,
चेतन पानी पी रहा है, सरोज नाटक देख रही है, वह रात भर नहीं सोया। आक्रमण क्रिया, हाँ दोस्तों, हाँ तो डी, वह रात भर नहीं सोया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह रात भर नहीं सोया। हाँ, काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था ऑप्शन नंबर डी। हाँ दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान में लोकायुक्त का पद कब सृजित हुआ था? हाँ दोस्तों बता दीजिएगा, काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, बी काफ़ी का सी भी आ रहा है दोस्तों, तो हाँ RSSB। हाँ दोस्तों बता दीजिएगा, राजस्थान लोकायुक्त का कब सृजित हुआ, यानी कब आया हमारे राजस्थान में। हाँ दोस्तों लोकायुक्त पद, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों आपका, 1973 में। हाँ, बी और सी वालों का गलत है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1973 दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह एक सर्वदाता है? हाँ दोस्तों, जो सबको रक्त दे सकता है दोस्तों। ए भी तो सर्वग्राही है, ए प्लस बी यानी ए बी प्लस तो सबसे सर्वग्राही होता है, जो कि सबसे ले सकता है। हाँ दोस्तों, सर्वदाता पूछ रहा है जो सबको दे सकता है। ओ, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। हाँ दोस्तों, सर्वदाता होता है जो सबको रक्त दे सकता है। ओ, ए भी सर्वग्राही होता है जो कि सबसे ले सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था? हाँ दोस्तों बता दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नागौर ज़िले से स्टार्ट हुआ था पहली पंचायत राज व्यवस्था, नागौर ज़िले से, जो भी 1959 में बलवंत राय मेहता समिति पंडित ज्वाला की द्वितीय है। हाँ दोस्तों, नागौर से स्टार्ट हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। हाँ दोस्तों बिल्कुल, कमेंट साथ के साथ दे दीजिएगा, और आप अंत में जाकर के यह बता दीजिएगा कि आपके इस पेपर में से कितने क्वेश्चन सही निकले दोस्तों। हाँ दोस्तों, हाँ कितने क्वेश्चन सही निकले, कितने गलत निकले दोस्तों, ज़रूर बता दीजिएगा, जिससे हमें पता भी लगेगा कि आपको अलग दूसरी रिवाइज की क्लास अपलोड करानी है या फिर नहीं करानी है। हाँ दोस्तों, हाँ 1959 में द्वितीय, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निमित वृहद राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? हाँ दोस्तों, महाराजा सवाई मान सिंह, महाराजा भोपाल सिंह, महारावल चंद्र सिंह, महारावल लक्ष्मण सिंह। हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान हिस्ट्री से। हाँ दोस्तों, हाँ बी ऑप्शन आ रहा है, काफ़ी लोगों का बी ऑप्शन आ रहा है। हाँ, और लेकिन ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों आपका, महाराजा सवाई मान सिंह। बी ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी गलत होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस वाक्य में, वो हिंदी का क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों ये, चलते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से हटाया जा सकता है? हाँ, पॉलिटिकल से संबंधित होगा दोस्तों, पूरी सब्जेक्ट के क्वेश्चन कवर होंगे दोस्तों इस क्लास के अंदर। हाँ दोस्तों, तो मेरा मानना है कि आप एक भी मिनट को स्किप ना करें, पूरे वीडियो को पूरे देखें, पूरे क्वेश्चन को देखें, और साथ ही साथ कमेंट करते जाएं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से हटाया जा सकता है? हाँ दोस्तों, अजमेर में यह लागू कर दिया गया, सबसे पहले लोक सेवा आयोग अजमेर में, राज्यपाल। हाँ दोस्तों, हाँ राज्यपाल के द्वारा न्याय की जांच के बाद, राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद, विधानसभा के महाभियोग प्रस्ताव के तहत राज्यपाल के द्वारा, या संसद के महाभियोग प्रस्ताव के तहत राष्ट्रपति के द्वारा। हाँ दोस्तों, कमेंट आ रहा है आप सभी का, बी ऑप्शन आ रहा है दोस्तों। हाँ, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर बी, हाँ बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, तो पूरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन कवर होंगे दोस्तों, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उन्नति शब्द में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त उपसर्ग है दोस्तों? उन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग है जो आगे जुड़ता है, जो कि अर्थ में परिवर्तित है? उन्नति, उत प्लस नति, उन्नति। हाँ, तो उत या फिर उद बता दीजिएगा, उत। हाँ, काफ़ी लोगों का ऑप्शन नंबर बी भी आ रहा है, काफ़ी लोगों का ऑप्शन नंबर डी भी आ रहा है आंसर। हाँ दोस्तों बता दीजिएगा, हाँ सही जवाब दीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत, क्योंकि उत प्लस नति यानी त और न मिल करके
ना आधा ना हो जाता है, उन्नति हो जाता है। हाँ, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पूर्वी घाट में सर्वोच्च शिखर है, हाँ दोस्तों पूर्वी घाट में, हाँ दोस्तों पूर्वी घाट में सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सा है, अन्नामोड़ी, दोदा बेटा, महेंद्रगिरी या फिर गुरु शिखर। सर्वोच्च शिखर हाँ राजस्थान में है गुरु शिखर, बाकी पूर्वी घाट में, हाँ बी डी ऑप्शन महेंद्रगिरी, सी ऑप्शन हो जाएगा। हाँ तो तीन थर्ड नंबर आपका आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राजस्थान में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यालय कार्यक्रम के संबंध में किस गतिविधि से नहीं है, मिट्टी व नमी का संरक्षण का करना, जल संसाधन का विकास करना, वृक्षारोपण करना, फिर गरीबी निवारण करना। हाँ दोस्तों सूखा संभारण क्षेत्र कार्यक्रम से संबंधित नहीं है दोस्तों, नहीं है पूछा है दोस्तों। हाँ तो सोच समझ के आंसर दे दीजिएगा दोस्तों। हाँ ऑप्शन नंबर डी आ रहा है काफ़ी लोगों का आंसर, हाँ दोस्तों डी ऑप्शन आ रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए मिट्टी व नमी का ये भी है, जल संसाधन ये भी है, हाँ दोस्तों गरीबी निवारण, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी ये नहीं है, तो राइट आंसर होगा आपका डी। हाँ डी वाले से ये दोस्तों घुड़सवार शब्द में समास है दोस्तों, घुड़सवार गुरु पर सवार, हाँ क्रमधारी सवार ये नहीं होगा दोस्तों। हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो सर, समास से ज़्यादा भी नहीं तो इन क्वेश्चन आपके समास से आएंगे, पूछ जाएंगे। द्वंद्व समास ये भी नहीं होगा, हाँ तत्पुरुष या फिर अव्ययभाव समास, हाँ बता दीजिएगा दोस्तों। हाँ दोनों में से तत्पुरुष घुड़ पर सवार, तो हाँ तत्पुरुष समास हो जाएगा दोस्तों। हाँ काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, हाँ सॉरी मिस प्रिंट हो गई उसके अंदर, हाँ दोनों ही हो जाएंगे, दोनों ही प्रधान हो जिसे कहते हैं द्वंद्व समास, बल्कि इसमें एक पद है दूसरा ऑप्शन नंबर बी। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी दोस्तों, हाँ 1992, 1997, 2000, 2004, हाँ दोस्तों बता दीजिएगा दोस्तों। हाँ दोस्तों जल्दी दीजिएगा कमेंट, 1997 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था दोस्तों, सही है आपका बी वालों का, सही है बी को लॉक कर दीजिएगा। हाँ दोस्तों दिसंबर 1997, हाँ दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। हाँ दोस्तों 2 दिसंबर 1997 को राइट आंसर हो जाएगा। हाँ इस योजना से संबंधित भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दिसंबर में, हाँ दिसंबर 1997, हाँ दोस्तों ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1997 का, डीपली पूछा जाए तो, लेकिन CET 12 लेवल की इतना डीपली नहीं पूछेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची नहीं है, नहीं ये पूछा दोस्तों नहीं है, कंदर्भ है, मनोज, मयूख या कुसुमेशु, तो मयूस मयूख ये नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाँ काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था सी, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, वंदे मातरम गीत की संस्कृत में रचना किसके द्वारा की गई थी संस्कृत में दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लो दोस्तों, हाँ दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो, मैं क्या बताऊँ इस क्लास को आप 1% भी मिस मत कर दीजिएगा। प्रेमचंद, हाँ दोस्तों बता दीजिएगा राइट आंसर, कई लोगों का कमेंट नंबर ए आ रहा है दोस्तों, हाँ लेकिन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, संस्कृत की बात कर रहा है दोस्तों यहाँ पर, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, बकिम चंद्र चटर्जी, राइट आंसर होगा बी को लॉक कर दीजिएगा, बी वाले सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर रीजनिंग का दोस्तों, पूरे क्वेश्चन कवर है इसके अंदर, हिंदी इंग्लिश ज्योग्राफी कंप्यूटर पूरे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे दोस्तों इसके अंदर। हाँ दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, 9-12 कितने का गैप है, 3 का गैप है, 17-12 5 का गैप है, 17-20 3 का गैप है, 5-28 5 का गैप है, 3 का गैप है, फिर 5 का गैप है, 6 का गैप हो जाएगा, हाँ दोस्तों फिर 2 का गैप है, हाँ दोस्तों आगे क्या होगा 5, हाँ दोस्तों तो बता दीजिएगा राइट आंसर। हाँ हाँ काफ़ी लोगों का कमेंट सही आ रहा है दोस्तों, हाँ सही आ रहा है दोस्तों आपका,
31 होना चाहिए था सर यहाँ पर। हाँ दोस्तों 31 आना चाहिए था यहाँ पर। हाँ कमेंट में भी यही बता रहे हैं 3 5। हाँ दोस्तों 3 3 3 5 3 5 3। हाँ दोस्तों गैप बता रहा हूँ मैं इसके अंदर आपको। हाँ काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए भी आ रहा है कई लोगों का और सी भी आ रहा है कई लोगों का। हाँ हाँ दोस्तों सही सही बिल्कुल सही। हाँ दोस्तों सही कमेंट कर दीजिएगा। हाँ दोस्तों कि आपने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है। हाँ दोस्तों तो यहाँ पर 31 आने चाहिए। हाँ दोस्तों 31 आएंगे। 34 राइट आंसर ए। हाँ ए वाले लॉक कर दीजिएगा दोस्तों, राइट आंसर ए हो जाएगा। बड़े भारत योजना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में लागू की गई थी दोस्तों? हाँ कमेंट कर दीजिएगा जल्दी जल्दी दोस्तों। हाँ कमेंट जल्दी कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा उस क्वेश्चन का आंसर आप। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ है। हाँ सही उल्टी मुहावरे में से भी दो क्वेश्चन मिनिमम मान ही लो आप, कन्फर्म है दो क्वेश्चन आपके आएंगे। हाँ हिंदी में मेरे से लिखवा लो आप। बाधा दूर होना, उल्टी गंगा में ना बाधा दूर होना, अनुपस्थिति प्रश्न, विचलित होना या फिर अनुकूल कार्य। हाँ ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर ई। हाँ वैसे 5 ऑप्शन आएंगे आपके। हाँ दोस्तों राइट आंसर ई, कोई सा भी नहीं है इसके अंदर उल्टी गंगा बहना। तो आप कमेंट में बता दीजिएगा इसका। हाँ दोस्तों कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ। हाँ दोस्तों कमेंट में ज़रूर भूलना मत दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा आप उल्टी गंगा महाना का मुहावरे का अर्थ, प्रतिकूल कार्य है। हाँ दोस्तों तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप। स्वतंत्र शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम शब्द दोस्तों। हाँ दोस्तों स्वतंत्र शब्द इसका कमेंट में आपको आंसर बताना है दोस्तों। मावठ वर्षा होती है। हाँ दोस्तों ग्रीष्मकालीन वर्षा, शीतकालीन वर्षा, शरद ऋतु वर्षा या फिर मानसून वर्षा। शीतकालीन वर्षा होती है उसे मावठ कहा जाता है दोस्तों। हाँ शीतकालीन वर्षा होगी वो मावठ कहलाती है दोस्तों। हाँ काफ़ी लोगों का कमेंट भी आ रहा था, सही है। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे दोस्तों? दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट सेशन में ज़रूर बता दीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद जय भारत।